भाई रुई तो हम बदल भी सकते हैं, दूसरी रुई लगा लेंगे, लेकिन आपके जो फेफड़े हैं ना वो आप नहीं बदल पाओगे कभी भी। हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और गाइस, आपको या किसी को भी सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस बारे में जो कहेगा वो हमारे एक्सपेरिमेंट कहेगा गाइस, क्योंकि यहां पर है हमारे पास में आज पूरी 10,000 सिगरेट्स। और गाइस आज ये देखेंगे कि 10,000 सिगरेट्स का एक इंसान के फेफड़ों पे क्या असर होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है जरूर से दबा देना, और इस वीडियो को प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा देखना, तभी आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों फिलहाल यहां पर जो सिगरेट्स हैं इनको निकालने में ही हमें 8 लोगों को 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया। एक बार देखो भाई ये कितनी सारी सिगरेट्स हैं। यहां पर ये 4 लाइनें हैं और इसमें अगर आप देखोगे अंदर तक तो गाइस ये देखो कहां तक जो सिगरेट्स है वो भरी हुई है। ये देखो कितनी मोटी जो लाइन है सिगरेट्स की वो यहां पर है, और इसीलिए जो सिगरेट्स का जो नंबर है वो हो गया है गाइस 10,000। अगर एक अंदाजे के लिए आपको बताऊं कि 10,000 सिगरेट्स कितनी होती है, तो अगर एक इंसान एक दिन में एक डब्बी सिगरेट की पीता है जिसमें 10 सिगरेट हो, एक पैक में 10 सिगरेट, तो वो 3 साल में जितनी डब्बियां पिएगा ये उतनी सिगरेट्स है। तो हम ये देखेंगे कि 3 साल सिगरेट पीने पर इंसान के फेफड़ों की क्या हालत होती है। उसके लिए हमें एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा जो कि फेफड़ों की तरह काम कर सके, यानी कि धुआं को अपने अंदर खींच सके। दोस्तों हमारे इस वीडियो में जो फेफड़ा होगा वो होगा ये जो बॉक्स है ये लंग्स का काम करेगा। ऊपर यहाँ एक होल है और नीचे 2, 2, 4 और 1, 5, टोटल 5 होल्स हैं। ये जो होल्स हैं इनमें से सिगरेट इसको पिलाई जाएगी और यहाँ से जो हवा है वो खींची जाएगी, जैसे हम अपने मुंह से खींचते हैं और फेफड़ों में जाती है। इसके अंदर ही ऐसे खाली नहीं रहेगा गाइस, जो ढक्कन है उसके अंदर भरी जाएगी ये चीज़ जो कि है सिंपल नॉर्मल कॉटन यानी कि रुई। हम इसको ऐसे नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा खोल खोल के डालेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो फेफड़ा है वो रुई से भर चुका है। दोस्तों इंसान तो मुंह से धुआं खींच लेता है, लेकिन जो हमारा फेफड़ा है वो ऐसे नहीं खींचेगा। उसके लिए हमें ये मशीन चाहिए जो कि एक वैक्यूम क्लीनर, और इसमें ये जो हिस्सा है इसको लगा देंगे गाइज ऊपर वाले छेद में, और अब ये जो है गाइज बढ़िया से एयर को सक करेगा। इसको करते हैं ऑन। तो गाइज हमारा जो फेफड़ा वो चालू हो चुका है और यहाँ पर ये जो एयर को डेफिनेटली जो है सक कर रहा है, ये वाला जो है इधर तो कुछ है ही नहीं गाइज। और गाइज यहाँ पर अब जो सिगरेट्स हैं उनको हम लोड करेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा जो फेफड़ा है वो सिगरेट्स के साथ में तैयार है। तो गाइस अब जो इसको सिगरेट पिलाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लगाया और गाइस सॉरी सिगरेट सुलग गई भाई, सॉरी सुलग गई एक साथ। तो गाइस यहां पर हमारे फेफड़े ने जो है सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है, और भाई ये देखो इधर से तो जो है रुई का कलर अभी से बदल गया जबकि पहला ही बैच चल रहा है, क्या बात है। और इसमें देखो ये देखो भाई धुआं धुआं हो रखा है खतरनाक वाला। हाँ कहाँ आग लग गई, बंद करो। इतनी सी सिगरेट का ये असर हुआ है कि पूरा धुआं धुआं हो गया खतरनाक वाला। अभी तो हमको भी ये धुआं जो है झेलनी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, आपको कुछ दिखाने के लिए हम जो है कर रहे हैं ये चीज। और दूसरे फेफड़े तैयार करो भाई, इधर ले आते हो सिगरेट, हटाओ उस पर गिर गई टेबल पे। ये देखो धुआं और ये देखो रुई की हालत, ये देखो तो गाइज एक बार फिर से हमको नया जुगाड़ बनाना पड़ा और यहाँ पर एक एक सिगरेट जो जैसे इंसान पीता है वैसे लगानी पड़ी, क्योंकि जो रुई है वो आग पकड़ ले रही, तो सारी रुई जो है फिर से रिप्लेस करी। और अभी आप देख सकते हो कि सारी सिगरेट्स बढ़िया से जल रही हैं।
तो गाइज रात हो चुकी है, काफी ज्यादा ठंड भी हो चुकी है क्योंकि सर्दी का मौसम है भाई, और हम जो है अभी भी इनको जलाए जा रहे। जी थोड़ा खराब तो हो गया है क्योंकि कितना ही मास्क लगा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, धुआं जो है वो अंदर जाती है भाई। और अब जो रुई है उसका कलर देखो आप लोग एक बार, इसको बंद करो एक बार, बंद करना भाई, बंद ही कर देते हैं नहीं तो बिना बात कुछ ना कुछ जल जाएगा अभी। और गाइस एक बार इसकी हालत भी देख लेते हैं, लगभग हमने गाइस 2-1 हज़ार सिगरेट्स तो इसमें जला दी ही होंगी, और सिगरेट जो है वो देखो यहाँ पर इसमें, और ये इसमें जो है जलती जाती है, जो इसका बचा हुआ हिस्सा है ना वो भी गाइस जलते जाता है। और अभी अगर इस बॉक्स की हालत देखें, अभी इसमें कुछ सिगरेट्स लगी हुई भी है, और भाई साहब देखो देखो क्या हाल हो गया भाई, कैसा ये दिख रहा है, इतनी धुआं इतना कुछ कर रहे हैं गाइस, जो सोचा था उससे ज़्यादा भारी पड़ गई है चीज़, सांस आने में ऐसे लगने लग गया सही में, अभी ऐसे ढंग से दूसरी साइड जाके सांस लेना पड़ता है, वो लोग वहाँ आग जला रखे ठंड की वजह से। गाइस आपको आपके प्यारे लोगों को, आपका जो परिवार है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके चाहने वाले, वो सभी भी अगर ये सब पीते हैं तो भाई कैसे भी करके उनको समझाओ कि ये मत पिया करो यार। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के लिए बस लाइक कर देना, वही बहुत है हमारे लिए। तो हम लोग जो है बार बार शिफ्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ी देर तक हम लोग काम करते हैं फिर दूसरे लोग आते हैं ऐसे कर करके। और गाइस हमारे पास में एक चिमटी है, इस चिमटी का इस्तेमाल करके जो सिगरेट्स हैं उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। गाइस हालत तो बॉक्स ही खराब हो चुकी है, लेकिन अब इसको खोलेंगे नहीं खोलेंगे, जब ही जब सारी की सारी अब इसको पिला देंगे। तो भाई यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, और आप लोग देखो कि कलर कैसा हो चुका है। The next day. अरे कैसा हो गया? बंदे, जल्दी तो दे। क्या हो गया मोहित? जल्दी नहीं दे रहा, पहले निकाल रहे इनको। तो गाइस अगला दिन हो चुका है, और कल रात को 1 से 1.5 बजे तक हम लगे हुए थे, और लगभग हमने आधी सिगरेट कर दी, आधी भी नहीं हुई अभी, आधी हो गई, लगभग आधी सिगरेट हमने इसमें जला दी। और आप डब्बे की हालत देख सकते हो भाई साहब, जो कॉटन था अंदर उसकी हालत आप देख सकते हो कितनी भयानक हो चुकी है। दो दो लोगों की शिफ्ट लगती है यहाँ पे, बाकी लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। जो हालत है वो इतनी ख़राब हो गई थी रात को, सर्दी और इसकी धुआं जो है वो फेफड़ों में सीधा जा रही थी। तो मोहित क्या लगता है तेरे को, कब तक हो जाएगी ये सिगरेट खत्म? हो जाएगी, आज तक हो जाएगी। गाइस ये बता बबलू, ये बता, ये सिगरेट पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितने सालों से ये काम करता आ रहा हूँ। तो गाइस मोहित को लग रहा है जैसे ये कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, और लगातार इसके हाथ और पैर जो है पूरा शरीर माइंड एकदम माइंड सेट हो चुका है कि इसमें सिगरेट डालनी है, अब आग लगा है, और इसको 8 के 8 छेद जितने भी छेद है वो याद हो चुके हैं कहाँ पे है, इसका हाथ वहीं पे जाता है, जैसे अपन खाना खाते हैं अंधेरे में खाना खाते हैं ना तो मुंह में ही जाता है, उसी तरीके से इसका हाथ उस छेद में ही जाता है। हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं करतार। करतार बताएंगे अपना ओपिनियन सिगरेट के बारे में, और इस करतार चल रहा है बताओ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आप क्या हाल हो चुका है इस कॉटन का, और इन दो बंदों का हाल बेहाल हो चुका है। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बबलू है, बबलू सीधा, बबलू आप बताना चाहेंगे, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अब क्या ही बोलूं मैं, बबलू कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, धुआं में इसका धुआं। तो देख सकते हैं गाइस हमारा एक बंदा उसकी हालत खराब हो चुकी है, वो बोल नहीं पा रहा, और उधर हमारे कैमरामैन जो है वो चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं पीछे खड़े होके, पीछे से उठकर आगे आ चुके हैं। ये कुछ बताना चाहेंगे आपको? मैं कहना चाहूंगा कि आप सिगरेट ना पिए तो अच्छा है, सावधान रहे, सतर्क रहे, सेहत का ख्याल रखे, और अपने आसपास सुरक्षित माहौल रखे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो गाइस ये है हमारी 10,000 सिगरेट्स का आखिरी बैच, और सारा जो सामान है वो नीचे था पहले, लेकिन आखिरी बैच था तो मैंने इसको ऊपर रख लिया सब चीज़ों को, ताकि आखिरी बैच जो आपके सामने ख़त्म कर सकें। और भाई आप देख सकते हो कितना धुआं धुआं इसमें होता है। तो गाइस ये थी 10,000 वी सिगरेट, और हमारा जो काम है वो भाई जैसे कैसे करके ख़त्म हो गया। पूरी रात हमने जो है सिगरेट फुकाई हैं,
हमारे सिस्टम को पूरी रात धुआं धुआं झेला। उसके बाद जैसे हम सुबह उठे, उठते ही सीज पे लग गए। और ये जो मशीन है, वैक्यूम है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कंटिन्यू ही चल रहा है 2 दिन से। तो अब बारी आपको रिजल्ट दिखाने की, गाइस हुआ क्या है आखिरकार। और गाइस आते हैं रिजल्ट्स पे। ये वैक्यूम फ्री, एक बार वैक्यूम जल भी गया था कल, तो इसको काटना पड़ गया। यहाँ से इसको हटा दो। ऐसे हमारे पास में कई सारे कंटेनर्स थे, बार बार जो है सिगरेट्स हमने ऐसे ही इकट्ठी कर दी थी, जला जला के हटा दो, इसको हटा दो। और गाइस अब जो है बढ़िया से सांस आएगी। ये जो पाइप है ना भाई, मुझे इसकी हालत ही ख़राब लग रही है, ज़रा देखते हैं। ओ तेरी, ये देखो, ओहो ये देखो गाइस, इसके अंदर पता नहीं क्या चीज है जिससे मेरा जो हाथ है वो कैसा ब्राउनिश सा हो रहा है। इसको भी हटा दो। अभी खोलेगा इस डब्बे को, क्या है 10,000 सिगरेट्स के बाद में कंटेनर का हाल। ये खुला बॉक्स, और गाइस जैसा ये दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मली इतना खराब नहीं दिख रहा था क्योंकि ये जो प्लास्टिक है इसमें से दिख नहीं पा रहा, लेकिन अब देखो भाई गाइस, ये क्या हो रखा है भाई, ये क्या हो रखा है, क्या गंदी हालत हो रखी है। पूरी जो रूई है वो वाइट से कैसी हो गई। उस पर देखो ये जो चीज़, ये लगती है ना बहुत ही अजीब है, ये पता नहीं लिक्विड सा कहाँ से आता है। ये देखो ये चिपकने वाला सा लिक्विड है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी रूई है। और गाइस आप देखो एक बार, अबे यार रूई का हाल क्या हो गया भाई। और यही जो हालत है वो इंसान के फेफड़ों की भी हो जाती है। इसमें स्मेल भी बहुत बेकार आ रही है, सिगरेट वाली, जली सिगरेट की। इसका ये हिस्सा देखो, ये देखो भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। ये देखो, ये वो रुई है जो कि नॉर्मल थी और अब इसकी हालत ऐसी हो गई है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिन रात का फ़र्क है, मतलब हद से ज़्यादा फ़र्क है। ओहो, और गाइस अभी तो पूरा माल बाकी है। ये देखो भाई, इतनी सारी रुई थी, ये क्या हालत हो गई। कुछ यहाँ पर इसके जो फिल्टर्स हैं वो अंदर घुस गए हैं, लेकिन गाइस ये चीज़ देखो आप, ये क्या है भाई, पूरा इतना गंदा, इतना बेकार। आहा, बहुत बेकार लग रहा है मेरे को इस चीज़ को हाथ में लेके भी, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। और जबकि ये जलानी है गाइस, जली हुई रुई तो हमने स्टार्टिंग में निकाल दी थी, ये सारी की सारी सिगरेट से हुई है, उसके धुआं से हुई है। और मुझे लगता है कि हमारी 2 दिन धुआं खाने की जो मेहनत है वो शायद सफल हो जाए अगर आप में से कोई भी सिगरेट पीना छोड़ दें। तो गाइस आपके या आपके दोस्तों में से, आपके परिवार में अगर कोई पीते हैं तो भाई ये हालत हो रहा है आपके फेफड़ों का। नहीं यार भाई नहीं, ये चीज़ बहुत ख़राब है जो कि यहाँ पर प्रूव हो जाती है। और रुई है देखो एक बार, हालत देखो भाई, कॉटन की हालत देखो, यहाँ पे इतनी सारी रुई है, देखो कितनी सारी रुई है यहाँ पे, और सारी रुई जो है उसकी यही हालत रखी है। गाइज अगर 2 सिगरेट्स को भी देखें, ये पी हुई है और ये नॉर्मल सिगरेट है, तो आप इन दोनों के फिल्टर्स देखो एक बार। इसका जो फिल्टर है वो एकदम गंदा हो रखा है, पूरा ब्राउन सा हो रखा है, इसका जो फिल्टर एकदम वाइट है। हाथों पे भी ये कैसे लगता है, जबकि मैं इसे बचना चाह रहा हूँ। तो गाइस कुछ ऐसी हालत होती है 10,000 सिगरेट पी के। भाई प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, छोड़ दो सिगरेट पीना। और इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करो गाइस, ताकि पता लगे कि ये हाल हो रहा है आपके फेफड़ों का। इसका मतलब है बहुत सारी बीमारियाँ, आपके फेफड़े कमजोर होंगे, आपको ट्यूबरक्यूलोसिस, आपको कैंसर, पता नहीं हज़ार तरीके की जो बीमारियाँ वो होंगी, ऐसी बीमारियाँ जो कि सही भी नहीं होती भाई, प्लीज मत करना। हमने बहुत सारा धुआं झेला भाई, जितना डैमेज हो गया, उसके बाद में 90 डेज में रिकवरी हो जाती है काफी हद तक। तो प्लीज ऐसा नहीं, अगर आप पीते हैं कि अब तो मेरे फेफड़े खराब ही हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी स्टेज पे छोड़ेंगे, आपकी जो बॉडी है वो रिकवर कर लेगी, पूरा रिजल्ट आपके सामने है, बोलने से क्या ही होगा, ये देख लो ना भाई। और जिसको ये देख के भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ठीक है भाई मेरे फेफड़े ख़त्म होने, तो मुझे पता है ऐसा कोई होगा नहीं जिसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी, अपने परिवार वालों की खुशियाँ प्यारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी को पीना तो पियो भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, छोड़ देना भाई, सभी से रिक्वेस्ट है, विद रिजल्ट दिखा दिया है, आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।